अरे नहीं ये तो एक ही तीर में मर गया, मजा आ रहा है एक और वार्डन का समन करो, एक और वार्डन का समन करो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे चाट के ठेले पे खड़ा हूँ और भैया को बोल रहा हूँ भैया एक और पानी पूरी लगा रहा। अबे वार्डन है वो, वार्डन माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब, कलेश है यार जिंदगी में, मैं मरूंगा मेरे को यार फांसी का फंदा ला। और गाइज लेदर आर्मर और वुडन स्वॉर्ड के साथ मैं तैयार हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, लेट्स जस्ट गो। लगता है ये पागल हो गया। मुझे क्रिएटिव मोड में जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये गधा, ये एंडर ड्रैगन गधा 3 तीर में मर गया। मैं इसके लिए स्वॉर्ड बना के लाया था कि इसको मैं स्वॉर्ड से पीटूंगा, लेकिन ये तो 3 तीर में मर गया। 3 तीर में कौन मरता है? ये भी मेरी गलती है, इसलिए गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मुझे क्रिएटिव मोड में जाना पड़ेगा। एक और बार हम लोग एंडर ड्रैगन को समन करेंगे और दूसरी बार मारेंगे। ऑलराइट गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू आवर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और गाइस आज है एक और नया कस्टम वीडियो डे जहां पे गाइस मैंने कुछ कस्टम एंचेंटमेंट्स को इसमें ऐड कर दिया है। और गाइस मैं बोल रहा हूं तुम लोग को इन एंचेंटमेंट्स को गाइस हल्के में मत लेना, जरा भी इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि गाइस ये एंचेंटमेंट्स इतने ज्यादा ओवरपावर्ड है कि गाइस आज तक ड्रीम भैया ने भी गाइस एंडर ड्रैगन की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं की होगी, उतनी बड़ी बेइज्जती गाइस आज हम लोग एंडर ड्रैगन की करने वाले। कैसे? आज गाइस बेसिकली हम लोग एंडर ड्रैगन को लेदर आर्मर और वुडन स्वॉर्ड से मारने वाले हैं। कुछ भी बोलता है साला यार, भगवान ने जवान दिया तो कुछ भी बोलेगा। हाँ भाई हाँ, सही सुना तुम लोगों ने, लेदर आर्मर और वुडन स्वॉर्ड से एंडर ड्रैगन को मारने वाले हैं। और गाइस एंड क्रिस्टल्स को मैं डिस्ट्रॉय भी नहीं करने वाला। रुक जा, यही थम जा, इतना मत फेंक। मतलब गाइस उसके पास रीजनरेशन का इफेक्ट रहेगा, वो रीजनरेट होता रहेगा, उसकी हेल्थ बढ़ती रहेगी। यस यस यस, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गाइस ये एंचेंटमेंट्स इतने ज्यादा ओवरपावर्ड है, वो जितनी स्पीड से रीजनरेट करेगा उसके डबल ट्रिपल स्पीड से गाइस हम लोग उसको मारते रहेंगे। सो रीजनरेशन का भी कोई फायदा होने वाला तो है नहीं। नो। और इसके बाद गाइस एंडर ड्रैगन की उसकी बिरादरी में इतनी ज्यादा बेइज्जती होने वाली कि वो किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा आज तो। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। लेकिन गाइस हम लोग वीडियो की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यार लाइक और कमेंट भी कर दिया करो। मैं लाइक करो बोलता रहता हूँ, तुम लोग करते हो नहीं, पता नहीं क्यों, तो कर दो यार, कर दो, फ्री है लाइक करना, फ्री है। तो अभी लाइक का बटन दबा दो और गाइस इसके साथ शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रवचन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो भाई गाइस सबसे पहले तो हम लोग को ऑब्वियसली गाइस हम लोग को वुडन के टूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। गाइस आखिर में चल के हम लोग को वुडन के स्वॉर्ड से ही तो एंडर ड्रैगन की पिटाई करनी है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे भी पहले यार स्टोन माइन करने के लिए वुडन की पिकैक्स लगती है मुझे। देखो डायमंड की टूल्स चाहिए, लेकिन एक सेकंड, एंडर ड्रैगन को लेदर आर्मर और वुडन स्वॉर्ड से मारने वाले हैं। हरामी मानुस, दो दिल में पलट गया, वाह। देखो यार गाइस अभी तुम लोग बोलोगे कि यार अभी तो ये लेदर आर्मर से मारने की बातें कर रहा था और इसको अभी डायमंड के टूल्स चाहिए, डायमंड का आर्मर चाहिए, तो हाँ चाहिए। क्या मस्त दोगला आदमी है रे तू। देखो गाइस दोगलापंती की बात नहीं है, इन द एंड लेदर आर्मर ही होता है। कितनी भी बढ़िया एंचेंटमेंट्स तुम लोग उस पे लगा लो, ये ज़ॉम्बी स्केलेटन ऐसे फुद्दू मॉब्स के साथ हम लोग लड़ेंगे, साला बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जल्दी टूट जाएगा और फिर एंडर ड्रैगन के सामने क्या नंगा जाएंगे हम लोग। बात तो सही है। नहीं ना, इसलिए लेदर आर्मर हम लोग लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एंडर ड्रैगन के लिए हम लोग यूज करने वाले, बाकी पूरा टाइम हम लोग एकदम ओपी डायमंड आर्मर यूज करने वाले है। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल क्रिएट कर दिया, वेरी गुड। थोड़े बहुत स्टिक्स वगैरह भी ले लिए मैंने। अभी एक बात तो बताओ कि मेरे को ये देखो गाइस, ये रही मेरी पहली वुडन की पिकैक्स जो कि एंचेंटेड नहीं है। शाबाश यार, ये एंचेंटी नहीं हुई क्योंकि मैंने प्लगइन को शुरू ही नहीं किया था। यार मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। हो गया, कर दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया है। फटाफट से अभी एक और पिकेक्स क्रिएट करते हैं हम लोग। नॉर्मली एकदम नॉर्मल पिकेक्स मिलेगी, लेकिन अभी गाइस हम लोग को मिल चुकी है एक एंचेंटेड पिकेक्स जिसपे सिल्क टच। ये का बवासीर बना दिया हो। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट करने में काम आएगा, कोबल स्टोन नहीं चाहिए, स्टोन चाहिए हम लोग को, तो वो भी एफिशिएंसी, ये हुई ना बात, ये चीज चाहिए थी मेरे को। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे रे 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 रे, काव है यहाँ पे, काव भाई आगे चल के काव मिलेगी नहीं, तो एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ पे रखते हैं। और भाई मुझे बस वुडन का एक बढ़िया सा स्वॉर्ड दे दे यार, स्वॉर्ड दे दे, मेरी लाइफ बन जाएगी। बस एक बढ़िया वाला स्वॉर्ड दे दे जो मुझे चाहिए। स्माइट नहीं चाहिए, अनब्रेकिंग नहीं चाहिए, एंचेंटमेंट लेवल देखो तुम लोग 255 की एंचेंटमेंट लेवल से इनके पास। लेकिन नहीं यार, नहीं, स्वीकीपिंग एज नहीं चाहिए मुझे एक चीज चाहिए जो कि तुम लोगों को पता है मुझे क्या चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो?
शार्पनेस शार्पनेस ठीक है शार्पनेस चलेगी, लेकिन नहीं अभी भी नहीं भाई, शार्पनेस मुझे एंड में यूज करनी है। ये चाहिए था मुझे, ये स्वॉर्ड चाहिए थी लूटिंग वाली। अभी पता चला तुम लोगों को, बस एक लूटिंग की स्वॉर्ड पाने के लिए मुझे इतने सारे स्वॉर्ड्स क्रिएट करने पड़े। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। दे दे। ओए 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 लेदर, अरे भाई ये देखो लेदर मिल गया बस। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। एफिशिएंसी ये बात, फटाफट से ओए 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 ओए, क्रिएटिव मोड में भी इतनी जल्दी काट नहीं सकते हम लोग पेड़। बाय बाय। अरे बस करो यार, बस करो, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। मैं इतना भी खास नहीं। ये देखो मैंने बस थोड़े से ही पेड़ काटे थे और इसकी हेल्थ देख लो तुम लोग, इसकी बस एफिशिएंसी बढ़ गई है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी जो भी बोलते हैं उसको, वो वुडन एक्स की है, मतलब बहुत ही जल्दी ये टूटने वाली है। अभी काम करते ना फटाफट से अपनी एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी और सिल्क टच से थोड़ा सा स्टोन चाहिए मुझे, उसके बाद हम लोग कोबलस्टोन कलेक्ट कर लेंगे। तोड़ दे भाई तोड़ दे, बस एक तोड़ दे जल्दी से और हम लोग ऊपर चले जाएंगे। एक तोड़ दे। वेरी गुड। ऊपर चल भाई ऊपर चल, मर जाएगा, मरेगा, मैं मरूंगा आज की तारीख में, मैं पक्का मरूंगा। I'm joking. फटाफट से भाई अंदर आ जाए यहाँ पे। कहाँ गया नहीं ये रहा। ओके इसको रख यहाँ पे। अभी मेरे लिए ना एक बढ़िया से ना पैंट सूट सिला के दे, हम करते हैं प्रबंध। फायर प्रोटेक्शन अभी नहीं चाहिए, देख अभी नहीं चाहिए फायर प्रोटेक्शन, हम लोग नेदर में जाएंगे तब लगेगा फायर प्रोटेक्शन। हाँ ये चीज चाहिए ना मेरे को, ये चीज चाहिए। बाकी की एक काम करते हैं, दो मिनट के लिए ना सारी की सारी जो यूजलेस चीजें ना इनको ना अभी के लिए स्टोर कर देते हैं। चेस्ट प्लेट पे क्या देगा, थॉर्न्स मिल जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा। ब्लास्ट प्रोटेक्शन, थॉर्न्स, वेरी गुड भाई, आज तो लक जोरों शोरों से मेरे साथ दे रहा है। रुको जरा सबर करो। प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन एक यूज कर सकता हूँ मैं, प्रोटेक्शन यूज कर सकता हूँ। और क्या मिल सकता है हम लोग को, बूट्स पे तो यार फेदर फॉलिंग ही चाहिए। ये देखो ये हुई बढ़िया बात, वेरी गुड। फटाफट से इन दोनों को पहन लेते हैं हम लोग, नाइस एंड इजी। अभी स्वॉर्ड वगैरह क्या अभी काम है, स्वॉर्ड भी चाहिए भाई मेरे को। 3 days later. नॉकबैक ओके, शार्पनेस बीच में है, नॉकबैक पीछे है और लूटिंग आगे है, ठीक है समझ गया। अभी मेरे हाथ में शार्पनेस है, फटाफट से चलते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी सांस भर लेते हैं। अरे भाई 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 ये तो बड़ी केव लग रही है भाई, ये काफी ज्यादा बड़ी केव नहीं है। ये देखो ये कुत्ता वैसे ही मर गया, क्यों, क्योंकि भाई मेरे पे थॉर्न्स लगा हुआ है, थॉर्न्स एंचेंटमेंट लेवल 255। एक काम करते इसको ना निकाल लेते, मेरे पास मेरे को इनसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। आज से इसका नाम होगा मुकेश, क्या होगा आज से तेरा नाम? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश बेटा पेंसिल बोल, पेंसिल, पेंसिल, तेरा जीना कैंसिल। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। मुझे डायमंड्स दिखाई दिए अभी यहाँ पे। ओके मेरे पास खाना मैं पीछे छोड़ के आ गया, मेरे पास ऑलरेडी खाना बहुत ही कम खाना था और वो भी मैं पीछे छोड़ के आ गया। वाह बेटे वाह, बताओ। ओ भाई साहब 4 stacks मिल गए 2 और को माइन करने से, मेरा काम तो हो गया। नहीं, काफी ज्यादा लगते भाई, अंडर एस्टिमेट मत करना इनको। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तेरे हाथ तो है नहीं, हीरा ठाकुर के भी हाथ है नहीं, तो एक बात तो बताओ कि तुम दोनों टट्टी साफ कैसे करते हो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। थैंक यू। नीचे चलो। नीचे चल के हम लोग एक बढ़िया सा पोर्टल क्रिएट करेंगे। अरे कौन मर गया, कि मैं तो नहीं मरा। अरे बाप रे, ये देखो यहाँ पे तो कौन कौन आया है। एक तो ये लोग मुझे मारेंगे, वरना मैं इनको मारूंगा, बस सिंपल सी बात है। लेकिन मरने वाले दोनों केस में यही लोग है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला एरिया है, ये सही है ना। वो देखो वहाँ पे और भी ज्यादा डायमंड्स है। अभी हम लोगों को ना एक डायमंड का सेट क्रिएट करना है, बढ़िया वाला एकदम डायमंड का सेट क्रिएट करना है अभी। अरे ये कहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने, वाह। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। बढ़िया वाला बो क्रिएट करूंगा सबसे पहले तो मैं। पावर, ये चीज होती है भाई, ये चीज होती है पावर 255। हाँ यही नहीं, अभी और सुनिए। रैंडमली मैंने प्लेस तो कर दिया है, अभी देखते क्या होता है, क्या मिला क्या इससे। पंच, बहुत हो गया। पावर और पंच काफी है। अभी इनसे हम लोग एकदम बढ़िया सा एक आर्मर क्रिएट करेंगे, जो कि हम लोग नेदर में भी पहन के जा सकते हैं। ठीक है, फ्रॉस्टवॉकर नहीं, सोल्स पे, ओए सोल्स पे 255। ओए देखो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ओके मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये क्या हो सकता है इससे।
I'm not so sure, लेकिन टेस्ट जरूर करना चाहूंगा मैं। कौन फट रहा है? मत फट यार, क्रीपर साले, मत करना यार। I don't even care, मैं इतना relaxed हूँ ना अभी यहाँ पे। I don't even care about creeper. भाई 12, अकेले 12 ले रहा है यार ये लूटिंग और शार्पनेस के। यार ये तो गलत है, ये गलत है यार। भाई 5 ही ले रहा है भाई, ये बढ़िया, ये 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 बढ़िया, ये बढ़िया है। पंच और पावर अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ तो कितना कितना लगेगा मुझे? अरे बात कर भाई। अरे एक बात तो बताओ, एक पावर और दूसरी पावर का अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ तो पावर 5। ये क्या मजाक है? अबे तुम लोगों को कैलकुलेशन आता आता है कि नहीं? 255 प्लस 255 510 होता है, इन लोगों ने बस 5 ही दे दिया। अरे वो 510 का बाकी 10 कौन देगा है? भाई ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? पावर 5 दे रहे, 255 प्लस 255 इक्वल्स टू 5, ये कौन सी बात से भाई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, अरे फटो मत, फटो मत, फटो मत कुत्तो, कुत्तो ये वार्डन का एरिया है, ग्रैंड वार्डन का एरिया ये। अबे यही पे तो वो समन होता है कुत्ता। भाई कहाँ फेंक दिया मैंने इसको? नॉकबैक, अरे हाँ नॉकबैक लगाया था ना, लेकिन भाई यहाँ पे तो ग्रैंड वार्डन है, ग्रैंड वार्डन को समन कर सकते हैं हम लोग। गाइस बताओ क्या बोलते हो तुम लोग? अमूल माचो पहन के नाचो। आई थिंक सो कि हम लोग वार्डन को समन करना चाहिए। देखो यार अपने पास 255 का है, 255 का है। देखो मुझे डर तो लग रहा है गाइस, क्योंकि इससे पहले मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी गाइस 1.16.5 में खेलता था, जहां पे गाइस ग्रैंड वार्डन था नहीं। तो दिस इज गोना बी द एक्चुअली फर्स्ट एनकाउंटर विद ग्रैंड वार्डन। भाई नीचे मैं ट्रैप हो गया ना, तो ग्रैंड वार्डन, मैं देखो मुझे पता है नहीं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैंने ड्रीम को उससे भागते हुए देखा है। तो भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं ग्रैंड वार्डन को खुले में समन करना चाहता हूँ, खुले एरिया में। ऐसे किसी गुफा में मैं नहीं जाने वाला, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। ये डर मुझे अच्छा लगा। ओ भाई साहब, ये नीचे देखो, ये नीचे देखो, इसे देख लो तुम लोग। भाई ये होता है, ये होता है ग्रैंड वार्डन का प्ले ग्राउंड। भाई नहीं 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 नहीं, इतना भी खुला एरिया नहीं चाहिए था मुझे, इतना भी खुला एरिया नहीं चाहिए था। वो देखो वहाँ पे कुछ तो है, उसको अगर मैं शूट कर दूं तो बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। वो देखो विच चाची है वहाँ पे, बाय बाय विच चाची। गई यार वो तो ऐसे ही चली गई। काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है? मैं काम करते है, यहाँ पे ऊपर है ना अपना एक बेड सेटअप कर लेते, अगर मर गए ना तो फटाफट से यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, फटाफट से यहाँ पे आएंगे, रिस्पॉन होंगे, अपना सामान लेके यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मैं स्पाइडर को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेगा ये स्पाइडर? अरे मेरे पीछे ही घूम रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट से मेरे लिए बेड क्रिएट कर दे। ओके रिस्पॉन पॉइंट तो मैंने सेट कर दिया है। शिट, देखो गाइस मैं वार्डन को फेस करने जाने वाला हूँ पहली बार, पहली बार। मैंने वार्डन को एक्शन में भी नहीं देखा था, मैंने बस सुना है कि वार्डन काफी ज्यादा डेंजरस होता है, तो मुझे नहीं पता कि हमारे इन ओपी एंचेंटमेंट्स के साथ भी कुछ फायदा होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन एक काम करते, ये सारी की सारी ओके डायमंड्स रख देते हैं। हाँ डायमंड्स आर इंपॉर्टेंट। भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए ज्यादा प्रिपेयर होके जा रहा हूँ मैं। एंडर ड्रैगन से कौन डरता है यार, कौन डरता है? ओ इधर आजा, इधर आजा, ओ कुत्ती इधर आजा, आजा 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 आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। अरे बहुत कम दिए यार इसने, बहुत ही ज्यादा कम दिए। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो लो फ्रॉम यू। हां शर्म तो नहीं आ रही है बिल्कुल भी है? हाँ तो अभी मुझे क्या कंबाइन करना था? पावर और पंच, वेरी गुड। तेरी भैंस की आंख, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कुत्ते आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। अबे कुत्तो, डराते हो, डराते हो, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? ओए ये देखो, ये देखो, ये डेफिनेटली कुछ तो नई चीज है, डेफिनेटली भाई डेफिनेटली, शायद इसी को श्रीकर बोलते हैं। यही यही चीज ग्रैंड वार्डन, ग्रैंड वार्डन क्या बोलता हूँ मैं, वार्डन को समन करती है। भाई ग्रैंड वार्डन वो सीओसी में होता है, ये वार्डन है, फटाफट से खाना खा लेते हैं, मतलब भागने में काम आएगा यार ये। भाई ये सस्पेंस से ही मेरी फट जाएगी, सस्पेंस से ही मैं मर जाऊंगा। आ गया 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 आ गया, जल्लाद आ गया, जल्लाद आ गया। वो देखो वो देखो वो आ गया जल्लाद, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो कैसा खड़ा हो रहा है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।
भाई भागता हुआ आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है। अरे तेरी भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ओ यस 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 यस, मेरा बहुत स्ट्रांग है, मेरा बहुत स्ट्रांग है, मेरा बहुत स्ट्रांग है। यस 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 यस, मेरे पीछे कितनी भी जोर से भागता हुआ तू, मैं नहीं डरने वाला आज, आज मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। एक और का समन करते, एक और का समन करते। गजब बेइज्जती है भाई, एक को मार दिया ना, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। करो 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 करो, एक और को समन करो जल्दी से। आ गया आ गया आ गया आ गया, जल्लाद आ गया, एक और जल्लाद आ गया। खड़ा तो हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। घूम रहा है इधर इधर उधर, घूम रहा है, क्या घूम रहा है, क्या देख क्या रहा है। अरे नहीं, ये तो एक ही तीर में मर गया। मजा रहा है, मजा रहा है। एक और एक और एक और एक और वार्डन का समन करो, एक और वार्डन का समन करो, एक और एक और। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे चाट के ठेले पे खड़ा हूँ और भैया को बोल रहा हूँ, भैया एक और पानी पूरी लगा रहा। अबे वार्डन है वो, वार्डन माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब। कलेश है यार जिंदगी में, मैं मरूंगा, मेरे को यार फांसी का फंदा ला। काम करो इस बार ना, समन करो, मैं इस बार इसको है ना स्वॉर्ड से मारूंगा। आजा कुत्ते, आजा 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 आजा, तुझसे ही लड़ना है मुझे। भाई देख रहा है, मुझे पता ही है अंधा होता है, मुझे पता ही अंधा होता है, लेकिन ये सुन सकता है मुझे। सूंघ रहा है, 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 कुछ तो सूंघ रहा है। मार दिया मार दिया मार दिया, मैंने भी मार दिया, मैंने भी मार दिया। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। आंखों में आंखें डाल के देख रहा था भाई मैं उसे। एक और समन हो रहा है, एक और समन हो रहा है। आने दो आने दो आने दो, मैं नहीं डर रहा भाई, इस बार मैं नहीं डरूंगा। घर जाना है मुझे, घर जाना है। ओके ये मेरी तरफ ही आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है। आने दो आने दो, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है कुत्ते का बच्चा, सूंघ रहा है, सूंघेगा मुझे, है सूंघेगा। ऐ ऐ देखो 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 कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है मेरी तरफ। साले साले साले, मजा आया भाई, मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया भाई। मेरा आर्मर ओवरपावर्ड है, ओके इससे ये कंप्लीटली साबित होता कि मेरा आर्मर कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड है, मेरी स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड है। और बो की तो बात ही मत करो, बो की बात ही मत करो। ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट टू मच यार, टू मच यार, मैं इतना मजा सहन नहीं कर सकता। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। भाई मेरा जब वार्डन से सामना नहीं हुआ था तब मेरी क्या फट रही थी यार, क्या ही फट रही थी, हर एक कदम में फूक फूक के रख रहा था। और अभी ये सारा ये साउथ पोल का सुअर मारेगा मेरे को। अभी वो अलग बात है गाइस कि मैंने डायमंड का प्रोटेक्शन 255 का आर्मर पहन के रखा है, इसीलिए मैं इतना निडर हो कि इसका सामना कर पाया। लेकिन यार मजा आएगा, मजा आएगा जब हमारा सामना इससे दोबारा होगा हमारे सर्वाइवल सीरीज में। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे फायर प्रोटेक्शन पहन रखा है ना मैंने, तो अगर मैं इसके अंदर कूद जाऊं कुछ नहीं होता। देखो देखो देखो, थोड़ी सी हेल्थ जा रही है मेरी, काफी थोड़ी सी, आधा आधा हार्ट जा रही है मेरी हेल्थ। एफिशिएंसी, हाँ ये बोलते हैं एफिशिएंसी। बढ़िया बायोम है, बहुत सारे एंडरमैन यहाँ पे घूमते रहते हैं, लेकिन मेरे पास तो देखो ऑलरेडी है। चलो कोई बात नहीं, एक एंडरमैन को मार ही सकते हम लोग, एक को तो मार ही सकते हैं। ओके ओके ओके, आजा आजा, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। थैंक यू। काम करते हैं, अपना पोर्टल को भी तोड़ ही देते यार, पोर्टल को तोड़ के अपने साथ ही लेके चलते। कौन आएगा यार वापस, एक बार फोर्ट्रेस मिल गया, फोर्ट्रेस में एक नया पोर्टल क्रिएट करेंगे और वहीं से निकल लेंगे। मस्त प्लान है। 6 months later. देखो गाइस यहाँ पे आते वक्त मुझे एक बैस्टियन लगा था, मैंने सोचा था कि अंदर जाएंगे सबको मारेंगे और बढ़िया सी बढ़िया लूट लेके बाहर आएंगे। देखो गाइस मैं चार चार वार्डन्स को मार के आया था, तो मैं देखो किसी से डरने वाला तो हूँ नहीं। लेकिन गाइस देखो बैस्टियन मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या ऑफर करता, नेदरराइट का इंगट ऑफर करता यार। मैंने सोचा यार छोड़ो यार, इतनी मगजमारी कौन करेगा, और ऊपर से यार गाइस मुझे पिगलिंस पे गाइस तरस आ गया, इसलिए मैंने बोला छोड़ो और मैं आगे बढ़ गया। फटाफट से एंडर पर्ल निकाल लो, नीचे डाल लो और चलो भाई चलो फटाफट से। बस एक ही ब्लेज रॉड को तो मारना है, कहाँ पे बस एक ब्लेज रॉड चाहिए। ये देखो अंदर ही खड़े ये लोग, तो अंदर ही है। चलो 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 चलो, कहाँ है कहाँ है, ये देखो ये रहा ब्लेज रॉड, इसको मैंने मारा सारे के सारे। और बाप रे बाप, बहुत है भाई, बहुत है बहुत है, ये तो नहीं चाहिए, काफी है, एक स्टैक काफी है मेरे लिए, एक स्टैक काफी है। मैं इस बार एक्सप्लोर भी नहीं करूंगा, क्यों नहीं चाहिए भाई, एक स्टैक है मेरे पास, इतने सारे एंडर पर्ल्स है, क्या करूंगा मैं। अरे तेरी भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ओके 69 ऑफ एंडर्स है, ठीक है यार चल जाएंगे चल जाएंगे। बता भाई किस दिशा में जाना है,
बता मैं एंडर ड्रैगन के पीछे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आजा भाई आजा। ले क्यों चाहिए मुझे, क्यों चाहिए, मैंने ये क्यों कलेक्ट किया, फेंको इसको, नहीं चाहिए। हर बार मैं नया नया इस्तेमाल करूंगा, नया भाई बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा हूँ मैं, पैसे नहीं भाई, पैसे नहीं, एंडर पर्ल्स की कोई कमी नहीं है मेरे पास। अभी नीचे गया ये नीचे गया, ये देखो ऊपर डाला मैंने, नीचे गया, स्ट्रेट नीचे गया ये भाई। यही से कहीं से तो आवाज आ रही है, आवाज तो यही से आ रही है, ठीक है ओके। कहाँ से आ रही है भाई आवाज? आगे 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 आगे, स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया, स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया। चलो 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 चलो, यस यस यस, आ इस पर आ रहे, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, मार लो मार लो, मार ले भाई मार ले। क्या करोगे, क्या करोगे भाई, अपन लोग प्रो है इसमें, हम लोग, मुझे अगर इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड की स्ट्रॉन्ग वो क्या बोलते पोर्टल रूम अगर नहीं मिली ना, मेरे पास इस बार इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां है कि भाई मैं सब कुछ डिक कर सकता हूँ, सब कुछ डिक करके पोर्टल रूम ढूंढ निकालूंगा मैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी नौबत आई तो याद रखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आज। चलो पहले तो इसको पूरे के पूरी तरह से खोलो इसको, ये देखो ये देखो, यहाँ पे भी कुछ तो है। ए हे हे, ये देखो सीधा एंट्री हो गई अपनी पोर्टल रूम में। और अभी मेरे लिए एक बढ़िया सा आर्मर क्रिएट कर दो, है बन जाएगा। अरे वाह एकदम बढ़िया, कैसा लग रहा होगा इसमें लेदर के आर्मर में, एंशेंटेड लेदर आर्मर में कैसा लग रहा हो? बकवास बंद कर। और गाइस लेदर आर्मर और वुडन स्वॉर्ड के साथ मैं तैयार हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, लेट्स जस्ट गो। लगता है ये पागल हो गया। आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए। कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है? ये देखो यहाँ पे आसमान है, ओ गायब हो रहा है, गायब हो रहा है ये तो। भाई गायब क्यों हो रहा है तू, तू तो मेरे रेंडरिंग डिस्टेंस में भी है, तुझे भी सुपर पावर्स मिली है क्या? हाँ? अरे बाप रे बाप, अरे भाई साहब, अरे नहीं 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 नहीं, इसकी तो एक तीर नहीं गाइस 40% हेल्थ ले ली थी यार। अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा बेटा, बेटा मुझे कुछ नहीं हो रहा, भाग मत भाग मत, ये भाग रहा है, ये डेलिबरेटली भाग रहा है क्योंकि इसको पता है कि ये लेदर आर्मर नहीं है, इसकी मौत है भाई। तुझे तीर कमान से तो मैं मारने वाला हूं नहीं, तुझे तो स्वॉर्ड से मारूंगा मैं। नीचे आजा, नीचे आजा, आजा बेटा आजा। अरे मर गया, नहीं नहीं, मुझे स्वॉर्ड से मारना था, स्वॉर्ड से मारना था यार, नहीं यार नहीं, स्वॉर्ड से मारना था मुझे। रुको जरा, सबर करो। गाइस 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 लिसन टू मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं अपना एक रूल तोड़ने वाला हूँ, मुझे क्रिएटिव मोड में जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये गधा, ये एंडर ड्रैगन गधा तीन तीर में मर गया। मैं इसके लिए स्वॉर्ड बना के लाया था कि इसको मैं स्वॉर्ड से पीटूंगा, लेकिन ये तो तीन तीर में मर गया। तीन तीर में कौन मरता है? ले 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 ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। इसलिए गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मुझे क्रिएटिव मोड में जाना पड़ेगा। एक और बार हम लोग एंडर ड्रैगन को समन करेंगे और दूसरी बार मारेंगे। वापस से रिवाइव हो जा, हो जा, हो जा, तंत्र मंत्र विद्या से गाइस हम लोग वापस से रिवाइव करने वाले हैं इसको बढ़िया से, फटाफट से गेम मोड को भी सर्वाइवल, वेरी गुड। अरे हाँ भाई, सारे के सारे मौजूद है, मौजूद है, एक भी क्रिस्टल मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, इनको मुझे मेरी बात सुननी नहीं है। क्यों 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 सारे के सारे क्रिस्टल्स तुम लोग रिवाइव कर रहे हो? मैंने एक भी क्रिस्टल को टच भी नहीं किया है, वो एंडर ड्रैगन नीचे आने का नाम ही ले रहा था, तो स्वॉर्ड से कैसे मारूंगा, इसलिए मुझे तीर कमान का इस्तेमाल करना पड़ा था। कंट्रोल कंट्रोल उदय, जब तक मैं एंड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय ना कर दूं तब तक ये नीचे नहीं आएगा, तो फटाफट से हम लोग नए काम करते हैं, एंड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। ये चीटिंग है, चीटिंग है ये। भाई देखो इसमें चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं है, एक बार मैं ऑलरेडी इसको एंड क्रिस्टल डिस्ट्रॉय किए बगैर मार चुका हूँ, अभी अगर मैंने इसको स्वॉर्ड से मारना है तो गाइज मुझे अभी एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। ये एक फटका खाएगा, उड़ जाएगा, पूरी की पूरी हेल्थ जनरेट करके वापस से आएगा, इसलिए मैं तो डिस्ट्रॉय करूंगा। बात तो सही है भाई, मैं लिटरली एंडरमैन की आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसे भी पता है कि इस टाइम पे इस बंदे से अगर हम लोगों ने पंगा लिया तो सजा है मौत, ये सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवार को भी देगा। इससे अच्छा तो यही है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, एक बार इसको अपनी आंखों में आंखें डाल के देख लेने देते हैं और सजा है मौत सिर्फ और सिर्फ एंडर ड्रैगन को दी जाए। खौफ भाई खौफ, खौफ देख रहे हो तुम लोग? अरे मेरा ही तीर था, लिटरली उड़ता हुआ तीर मैंने अपने अंदर ले लिया है,
वो तीर लग चुका था, एक ब्लॉक पे अटक चुका था। मैंने वो ब्लॉक तोड़ा और वो तीर सीधा आके लगा मेरे माथे पे। मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे मार सकता है, और मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी मृत्यु मेरी ही गलतियों की वजह से होने वाली है। किसी का हाथ नहीं होगा, मेरा खुद का लंबा वाला हाथ होगा। आजा, आ गया, आ गया, आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। आजा 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 बेटा, आजा 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 आजा, थोड़ा सा मार खा ले। अरे चला गया चला गया, लेकिन एक तीर तो खा ले, एक तीर तो खाना पड़ेगा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? अभी नेक्स्ट टाइम जब नीचे आएगा ना तू, तब देखता हूँ मैं तुझे, तब कैसे भागेगा, तब देखता हूँ मैं तुझे। आजा बेटा आजा आजा, आ गया भाई आ गया, अपनी मौत खुद ही स्वीकार करने आया है। आजा बेटा आजा, एंडर ड्रैगन फाइनली यहाँ पे आ चुका है, और भाई ये मैंने मार दिया। नाइस वन, नाउ दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। इसमें मजा आता है भाई, इसमें मजा आता है। ओके तो गाइज, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि गाइज वीडियो भी अगर खत्म भी हो गई ना तो भी तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि गाइज सोल स्पीड के जूते अभी तक हम लोगों ने ट्राई नहीं किए थे। तो गाइज ये देख लो, जिनको देखना था ना सोल स्पीड की पावर क्या होती है, ये देखो, ये देखो भाई 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 भाई, बस करो बस करो बस करो भाई, मैं कितना जोर से ट्रैवल कर रहा हूँ। ओ भाई ये क्या स्पीड है। नहीं 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 नहीं, दिस शुड नॉट एग्जिस्ट, इट इज टू पावरफुल टू एग्जिस्ट। सोल सैंड के ऊपर सोल स्पीड के जूते, भाई साहब इतने ज्यादा स्पीड के साथ गाइस तुम लोग फ्लैश को हरा सकते हो, मजे आ गए। तो गाइस आज के वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यार लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले गाइस टेक केयर एंड गुड बाय। ये ज़ॉम्बी फाइट पिंगलिंस को मारे क्या? नहीं नहीं, रहने दो अभी भी औकात के बाहर ही है वो तो। Understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf.